हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जम्मू एंड कश्मीर तेजस्वानी स्कीम के बारे में मैंने इससे पहले दो वीडियोस अपलोड किए हैं। कैसे अप्लाई करना है इसकी सारी डिटेल्स मैंने पहले वाले वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, और उस वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रही थी इसके बारे में, काफ़ी जो है लोग पूछ रहे थे इसके बारे में। और इसके बाद एक वीडियो मैंने बडगाम से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में आए थे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट डेट्स पे इसका न्यूज़पेपर में आ रहा है कि बडगाम के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं, ये ऑनलाइन नहीं अभी अवेलेबल हैं। तो मैंने बडगाम वालों के साथ जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर है उनके साथ बात की, और उन्होंने बताया था कि आप 2 दिन के बाद ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उसमें आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर की थी। फिर बहुत सारे बच्चों ने उसके बाद फिर से कमेंट आना शुरू हो गए, तो फाइनली कल यानी 6 अगस्त को एक और अपडेट आया कुपवारा सेंटर से। यानी आपका जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है वो सारी डिटेल्स मैं अभी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको यहां पे क्लियरली, जैसे आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं राइट साइड पे, ये न्यूज़पेपर कटिंग है जो मैंने कल के न्यूज़पेपर से ली हुई है, जो मैं आपको यहां पे अभी शो करता हूं। तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा वालों के लिए है ये, और भी डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो अपने अपने एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर से बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिए हैं, मैं आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भी कुछ शेयर करता हूँ, आप इनसे डिटेल में जो आप पूछना चाहते हैं वो भी इनसे पूछ सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आप इनको पूछ सकते हैं, कब अप्लाई करना है, कब सेंटर पर जाना है। स्कीम के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, डिटेल्स 100% सब्सिडी आपको मिलने वाली है, 5 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, 50,000 रुपये आपको पहले ही मिशन यूथ की तरफ से मिलेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है, और एलिजिबिलिटी क्या है ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर की है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो गए हैं गाइस, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूं। तो यहां पे हम चलते हैं डायरेक्टली न्यूज़पेपर राइजिंग कश्मीर डेली। कर लेता हूं 1 मिनट थोड़ा सा यहां पे। हाँ, तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है राइजिंग कश्मीर का न्यूज़पेपर, पेज नंबर 6, न्यूज़पेपर का पेज नंबर 6 है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि मैंने न्यूज़पेपर ही यहाँ पे ओपन किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई जो है अपनी तरफ से कुछ शेयर नहीं करता हूँ, जो भी होता है वो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। और आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे पूछ रहे, तो इसीलिए मैंने बडगाम सेंटर पे इसके बारे में कांटेक्ट किया था, ताकि उनसे थोड़ी सी जानकारी ली जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 6 अगस्त का न्यूज़पेपर है, यानी कल का। ठीक है, पेज नंबर 6 है राइजिंग कश्मीर का न्यूज़पेपर, राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर है पेज नंबर 6। तो इसमें आप यहाँ पे जाएंगे लास्ट पे आपको एक कॉलम मिलेगा जिसपे जूम आप कर लो थोड़ा सा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे ये पूरा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवारा। ठीक है, इसके फ़ोन नंबर यहाँ पे दिए, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं गाइज। तो प्लीज़ अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर से बात कर लें। आपको जो है इसका नंबर और इसका एड्रेस वगैरह आपको पता ही होगा, और अगर किसी को नहीं पता है तो वो गूगल से इसके बारे में जो है नंबर ले सकता है, आपको मिल जाएगा। तेजस्वानी स्कीम द रेडियंट मिशन यूथ की तरफ से ये स्कीम आई है, जिसमें ठीक है बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ें दी गई हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो पहले हम थोड़ा सा वही देख लेते हैं, बाद में आपको मैं नंबर वगैरह शेयर कर लेता हूँ। तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें, स्किप नहीं कीजिएगा आप वीडियो।
तो सबसे पहली चीज़ जो है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है, ये वुमेन अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। एज जो है वो 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको जैसे मैंने बताया 5 लाख की मिलेगी यहाँ से। और बात करूँ तो कैसे आपको रजिस्टर करना है, पहली जो एलिजिबिलिटी रहेगी फीमेल डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, 18 से 35 साल की एज होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी 10th पास होना चाहिए एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मस्ट बी अनएम्प्लॉयड, ठीक है, अनएम्प्लॉयड होना चाहिए। साथ में ही रजिस्टर्ड विद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको पहले यहाँ पे भी रजिस्टर करना होगा। आपको मिशन यूथ पे रजिस्टर करना है और एज वेल एज अपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पे भी रजिस्टर करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, इसके बेनिफिट्स आपको 100% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगा, 5 लाख तक का इसमें सब्सिडी मिलेगी, 50,000 रुपये आपको पहले ही मिशन यूथ की तरफ से मिल जाएंगे, 100% सब्सिडी मिशन यूथ कवर करेगा आपको, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पोर्टल पे जाना है और यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस स्कीम के बारे में अभी वहाँ पे जो है एप्लीकेशंस नहीं ओपन हुए हैं, सो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा वालों के लिए, वो इन नंबर्स पे, ये नंबर्स एक्टिव हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपको वैसे गवर्नमेंट ऑफिस में फ़ोन नहीं उठाते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पे फ़ोन उठाएंगे, ठीक है। और अगर पास में ही है तो आप यहाँ पे जाएं और इस स्कीम के बारे में पता कर लें, वहीं से आपको फॉर्म सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप इजीली जो है ऑफलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको अपने साथ लेन कैरी करने हैं और इजीली आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। तो फॉर फर्दर डिटेल्स आपको अपने कुपवारा एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पे कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, एज वेल एज यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, आप कांटेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको DOB चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स, एंड प्रोजेक्ट का एक आपको प्रपोजल बनाना होगा कि आपका बेसिकली आइडिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको प्रपोजल, और फाइनली आपको अपना एप्लीकेशन एफिडेविट एक सबमिट करना होगा कि आप मिनिमम 5 सालों तक जो है इसी का रहेंगे और एटलीस्ट तब तक जब तक आपका जो है लोन ख़त्म नहीं होता है। तो लोन आप रिफंड सॉरी आपको रीपे करने में करने के लिए आपको 5 साल का टाइम मिल जाएगा। तो गाइज ये थी कटिंग सॉरी ये थी आपको, ये मैंने आपको डायरेक्टली न्यूज़पेपर से दिखाया, ठीक है, राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर, आप 6 तारीख का ऑनलाइन देख सकते हैं, ये अवेलेबल है, ठीक है। इसका आपको फ़ोटो जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैड्स एकेडमी, MADS एकेडमी सर्च कर लें आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से इसका फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं, इसका डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पे जाएं, वहाँ पे आप वो फ़ोटो दिखा सकते हैं और इजीली इस स्कीम के बारे में इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था अपडेट आप सब के लिए जो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बड़गाम वालों के लिए इससे पहले वीडियो शेयर किया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई बड़गाम का है या कोई कुपवारा का है या कोई और डिस्ट्रिक्ट का है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के साथ बात करेंगे, क्योंकि हर टाइम ये न्यूज़पेपर पे नहीं आता है, तो इसीलिए अपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर से बात करके आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।